السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. तो फिर भाई सब लोग आ गए आ गए सर, शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह।
ये जो सामने नंबर लिखे हुए हैं ना, स्क्रीन दिख रही है सब हमारी? जी सर। बस इतने ही लोगों ने होमवर्क किया है सर, बाकी लोग दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग द होमवर्क। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को सिंगुलर का प्लूरल बनाना समझ में आया ना? सिंगुलर ये क्या हो गया भाई, क्या चीज है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी सर, इंशाल्लाह मैं, मुझे माफ कीजिए सर, ये मंडे तक मुझे चांस दे दीजिए सर। लास्ट टाइम क्यों बोले तो मेरे पास है सर, पूरा रफ बनाया है मैंने नोट्स, अभी थोड़ा नीट मेंटेन कर रही हूँ सर, तो थोड़ा और टाइम लग रहा है सर, बट मंडे तक इंशाल्लाह सर पूरा फर्स्ट टू लास्ट तक पूरा इंशाल्लाह सबमिट कर दूंगी सर। देखिए सिस्टर, एक सब लोग एक, एक चीज ध्यान रखिए, होमवर्क क्यों मांगा जा रहा है पता है आपको? होमवर्क क्यों मांगा जा रहा है मालूम है? क्योंकि हम लोग ना कन्वेंशनल तरीके से पढ़ नहीं रहे, कन्वेंशनल तरीके से समझ नहीं रहे। कन्वेंशनल तरीके से समझेंगे तो आप कम से कम एक या डेढ़ साल तक है ना आपको ये क्लासेस लेनी है, आप समझ रहे हैं? हम लोग एक शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है लैंग्वेज का, उसी नॉलेज को यूज करते हुए दूसरी नॉलेज, दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे हैं। आप लोगों ने ये बात नोट की होगी, एग्जिस्टिंग जो लैंग्वेज का नॉलेज है ना हम लोगों को, उसी नॉलेज को यूज करके हम एक नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, जो इन दोनों में कॉमन है वो चीजें बिल्कुल आपको जल्दी से समझ में आ गई होंगी, जो अनकॉमन है उनको समझ, उनको समझाने के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। और होमवर्क को ऐसा मत समझिए कि जैसे बच्चों को स्कूल में, हमको स्कूल में दिया जाता था होमवर्क करके आ, नहीं तो तू ये, नहीं तो वो, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं तो वो, कन्वेंशनल तरीका है। यहाँ पे होमवर्क आपको करना है ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आया है कि नहीं। आपको होमवर्क सबमिट करके मार्क्स नहीं मिलने वाले, आप समझ रहे हैं? एक साथ होमवर्क सबमिट करेंगे ना सिस्टर, कोई मार्क्स वर्क्स थोड़ी मिलेंगे आपको यहाँ पे, है ना? आपको तो रोज के रोज क्लास के साथ चलते रहना है, इसके लिए होमवर्क सबमिट करना है। ठीक है ना, कन्वेंशनल तरीके में क्या था, आपको होमवर्क सबमिट करना है, उसमें मार्क्स मिलेंगे आपको 5 मार्क्स 10 मार्क्स, नहीं सबमिट करेंगे तो कुछ और सजा मिलेगी या कुछ और होगी। वो थोड़ा रफलिंग हो रहा है ना सर, थोड़ा हैंडराइटिंग वगैरह बहुत ही है, तो मेंटेन एक वो कन्वेंशनल तरीका है सिस्टर। यहाँ पे है ना होमवर्क में ना हैंडराइटिंग देखी जा रही है, ना कुछ देखा जा रहा है, वहाँ देखा जा रहा है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर 10 लोगों ने होमवर्क दिया है और 7 को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आई विल नॉट रिपीट। 10 लोगों ने होमवर्क भेजा है और सिर्फ 2 को कॉन्सेप्ट समझ में आया, देन आई विल रिपीट। आप समझ रहे हैं, ये है होमवर्क का लॉजिक। होमवर्क सबमिट करके कोई ना मेरे को फायदा हो रहा है ना आपको फायदा हो रहा है, यानी मार्क्स के हिसाब से। लेकिन फायदा किस चीज में हो रहा है मेरे को, मेरे को समझ में आ रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। और आपको क्या फायदा हो रहा है, देर आर नो टेक्स्ट बुक इन इन अवर क्लास, सो यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन टेक्स्ट बुक। ठीक है ना, बात सबकी समझ में आ गई ना? जी। और नहीं समझ में आई होगी ना तो आप क्या करेंगे मालूम है, आप दूसरी क्लास ज्वाइन करेंगे, एक और जब दोबारा हमारी क्लास होगी उसमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, हिम्मत मत आ रही है, कभी कभी बातें नहीं समझ में आती, दूसरी क्लास में समझ में आएगी। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम इंशाल्लाह ताला एक के बाद एक, एक के बाद एक क्लास लेते रहेंगे। ठीक है ना, इंशाल्लाह। हाँ, दुआ करो कि ये हिम्मतें रहें, बाकी ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। इंशाल्लाह हम तो एक के बाद एक क्लास लेते रहेंगे, आपकी हिम्मत कैसी है, आपने आपको ऊपर जाके आपको अपना जवाब देना है। मैंने कोशिश की थी, मेरी नहीं समझ में आया, ये बोलने की आप मतलब आप पॉसिबल है, या आप बोलेंगे मैं बहाने बना रहा था मेरे से नहीं, इट्स योर चॉइस। मुस्लिम कौन सी स्टेज में है सब, कौन बताएंगे? है ना, और इसको नसब में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुस्लिमन, मुसलिमन। और जर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुस्लिम।
माशाल्लाह मुस्लिमिन, इसका इसका मतलब क्या है मुस्लिमन का? एक, तू एक मुसलमान। अच्छा तू कहाँ से मिला सिस्टर? तू कहाँ से मिला आपको? तू तो कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ मुसलमान मर्द, एक मुसलमान मर्द, अ बिलीविंग मैन, है ना? तू कहीं नहीं लिखा है। अच्छा यहाँ पे इसका क्या मतलब है मुस्लिमन का? एक मुसलमान मर्द, सेम मतलब है, खाली नसब में उसका काम बदलना पड़ेगा। मुसलमान मर्द ने कुछ काम किया है या मुसलमान मर्द के ऊपर कुछ काम हुआ है? जी काम हुआ है। हाँ माशाल्लाह। और मुस्लिमिन एक मुसलमान मर्द, मतलब वही रहेगा, एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान। ये स्टेजेस क्यों चेंज होती है? ताकि उसका काम पता चल सके। तो मुसलमान मर्द रफा की पोजीशन में कैसे बोलेंगे हम लोग? मुस्लिमानी। जी सर क्या बोलेंगे? मुस्लिमान। मुस्लिमानी, ठीक है ना? मुस्लिमानी। देखिए इसमें पॉइंटर था ना, स्पॉटलाइट, ये आनी, ये मालूम पड़ रहा है ना आपको, दिख रही है ना स्पॉटलाइट? जी। ये जो आनी है ना, इससे पता चल रहा है क्या? दो मुसलमान मर्द, कि दो मुसलमान मर्दों की बात हो रही है, ठीक है ना? अच्छा इसी को नसब की पोजीशन में क्या करेंगे? मुस्लिम माइनी। हाँ और इसी को यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इसकी को जर की पोजीशन में क्या करेंगे? मुस्लिम माइनी। रफा की पोजीशन में मुना। हाँ ये ऊना का जो साउंड है ना, ये वाला, ये मेरे को बता रहा है कि किस में है? रफा में है, प्लूरल है जी, है ना? और फिर नसब में क्या लिखूंगा? मुस्लिमीना। क्या लिखूंगा सिस्टर? मुस्ली मीना। मीना बहुत आसान। और जर में क्या लिखूंगा? मुस्लिम मीना। बात समझ में आ गई? हाँ बहुत आसान था नहीं जी। स्वादिक को, ये स्वादिक को क्या लिखूंगा? स्वादिक का मतलब क्या होता है? सच्चा सर, एक सच्चा मर्द। हाँ एक कुन होगा स्वादिक। हाँ सादिकुन, एक सच्चा मर्द जी, ठीक है ना? एक सच्चा मर्द। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा उसको ये स्टेज में? रफा में सर। सादिकुन। रफा में क्या बोलेंगे उसको? सादिकुन। सादिकुन। और दो सच्चे मर्दों को रफा में क्या बोलेंगे? सादिकानी। 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 और प्लूरल में? सब लोग बोलिए। हाँ फिर और नसब में? सादिकन। 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 और फिर सादिकाइनी। सादिकाइनी। और फिर सादी कीना। कीना। और जर में? एक्सक्यूज मी सर,
सर सर 301 से तीन लोग ज्वाइन हुए हैं सर, 301 रोल नंबर से। वाह भाई वाह, तीन लोग 301 है, नहीं एक ही है सर। नहीं सर देखिए, तीन लोग ज्वाइन हुए सर, शेयर हुआ होगा, तीन डिवाइसेस पे ज्वाइन है सर। नहीं यहाँ एक ही दिख रहा है सर, देखिए आपको पता चलेगा। नहीं सर एक ही है, एक ही है, आपको तीन हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको नेटवर्क में मुश्किल है। अच्छा हो सकता है सर, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। मुस्ली कहाँ थे हम लोग, सादिकीना राइट जी, सादिकीन। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा जर्की पोजीशन में, सादी किन किन और फिर सादी कई, फिर सादी कीना। ठीक है ना जी, हाँ अलहमदुल्ला, ये बात समझ में आ गई, सबके समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी सादिक को फीमेल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सादिका तुन, सादी सादिका तुन, सादिका मरबूता, ता मरबूता, ता मरबूता, सादिका यानी सादिका तुन जी, है ना जी। ये इसका क्या मतलब होगा, एक मुसलमान औरत, एक मुसलमान, हाँ मुसलमान औरत, एक सच्ची औरत, I'm sorry, एक सच्ची औरत जी, एक सच्ची औरत, माशाल्लाह सिस्टर, एक सच्ची औरत साथ, औरत जी, हाँ ये रफा की पोजीशन में, नसब की पोजीशन में क्या होगा, नसब की स्टेज में सादी कतन और सादी कतन, कतन और फिर सादी कतन, सौदिका तीन। ठीक है ना, अब इनका प्लूरल भी तो बनाना है, इनका ड्यूल भी तो बनाना है ना जी। ड्यूल बनाने के लिए कहानी क्या करनी, क्या जोड़ना है अपने को, साउंड अच्छे से लिखते हैं, देखिए अच्छे से पहले अच्छे से लिखते हैं फिर तभी तो बात समझ में आएगी। हाँ ये तो समझ में आएगा, सौदिका को छोड़िए, मोमिन मोमिना को पकड़ते हैं पहले, फिर सौदिका को पकड़े, ठीक है ना जी। फिर से मोमिन के पास जाएंगे, हाँ मुस्लिम के पास जाएंगे, छोड़िए मुस्लिम को मुस्लिमा बना देंगे राइट जी, मुस्लिमा तुन, तुन सही है जी, मुस्लिमा तुन। और रूल क्या है, आनी का साउंड यूज, आनी का साउंड ऐड करना है जी। तो ड्यूल क्या बनेगा, ये रफा की स्टेज है, ड्यूल क्या बनेगा, मुस्लिमतानी, मुस ली यहाँ पे आएगा तान, मा, और यहाँ पे आएगा ता मरबूता खुल जाएगा जी, ठीक है ना, ये आ गया ता मरबूता और फिर ये आनी आ गया, क्या बन गया मुस्लिमा तानी, तानी आसान था कि नहीं, साउंड तो वही ऐड हुआ है जी, जी। सबकी समझ में आई बात, बात समझ में आई सिस्टर्स ब्रदर, साउंड तो वही ऐड हुआ है जी सर, कौन सा साउंड, आनी आनी, आनी का साउंड ही ऐड हुआ है, ये जो ता है वो क्या चीज का ता है, कौन सा वाला सर, ये वाला जो मरबूता था, अब मफ्तुआ हो गया जी, राउंड ता था, राउंड ता को बीच में ता ऐसे लिख ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, खोलना ही पड़ता है, ठीक है ना जी। बात समझ में आ गई, साउंड तो वही है, आनी का ही साउंड ऐड हुआ है अभी, देखिए सबकी समझ में आई बात, ऐसा ही जी। अच्छा ये रफा की पोजीशन में, नसब की पोजीशन में क्या लिखेंगे, मुस्लिमतन, मुस्लिमतन और उसका ड्यूल क्या बनाएंगे, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी सॉरी, साउंड क्या ऐड होता है सर, ऐनी सर, ऐनी, मुस्लिमा ता
है ना जी। साउंड क्या ऐड हुआ है? आईनी। आईनी का ही साउंड ऐड हुआ है, ध्यान दिया आप लोगों ने जी। और जर में तो सेम आएगा, ये तो पता है सबको जी। है ना जी। हम लिख के बताते हैं, चलो जर में, जर की पोजीशन में क्या आएगा? मुस्लिमा तीन, और इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना? या सही है ना जी? मुस्ली मा, यहाँ से मीम गायब हो गया था। मुस्लिमा तैनी, तैनी मुस्लिमा तैनी तैनी, साउंड तो वही ऐड हुआ है, कौन सा साउंड हुआ है ऐड? आईनी। आईनी, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के? जी सर। हाँ अच्छा, अगर हम बोले मुदर्रिसुन तो मुदर्रिसुन का फीमेल क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा मुदर्रिसुन का? मुदर्रिसतुन। और दो फीमेल मुदर्रिस को क्या बोलेंगे? दो फीमेल टीचरों को क्या बोलेंगे? मुदर्रिसतानी, जिसके अंदर जो इनिशियल लव्ज है ना मुदर्रिस, वो ओरिजिनल है, ता फीमेल का निशानी है, अलिफ और नून ड्यूल बता रहा है, राइट? मुदर्रिसा तानी, तानी मुदर्रिसा तानी, तानी। और फिर नसब के अंदर क्या हो जाएगा वो, ये वाली स्टेज में हाँ सिंगुलर में मुदर्रिसा तन, एक मुदर्रिस, एक फीमेल मुदर्रिसा, एक फीमेल टीचर, दो फीमेल टीचर तैनी, और जर की पोजीशन में एक फीमेल टीचर को क्या बोलेंगे? मुदर्रिसा तीन, और मुदर्रिसा दो, दो फीमेल टीचर को मुदर्रिसा तैनी। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है, हाँ अब ध्यान रखने की बात है, ट्विस्ट है, ठीक है ना? अब हम करेंगे प्लूरल, प्लूरल में रफा की पोजीशन में उसको बोलेंगे मुस्ली, यहां तक तो कुछ नहीं हो सकता, सेम वर्ड रहेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि रूट के वर्ड है, मुस्ली मुस्लिम, मुस्ली मुस्लिमातुन, सिस्टर मैं सिखाता हूँ, मुस्लिमातुन क्या आएगा? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, और मुस्लिमातुन, तीन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तुन का तीन हो गया, ठीक है ना? मुस्लिमा तीन, और जर के अंदर वो तो सेम रहेगा ना, मुस्लिमा, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं, खराब हो गए, मुस्लिमातीन। बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ पे से थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है? रफा की पोजीशन में क्या हो जाएगा प्लूरल? मुस्लिमातुन, और फिर मुस्लिमातीन, मुस्लिमातीन, ठीक है ना? ये ट्विस्ट है, थोड़ा सा याद रहेगा आप लोगों को? इंशाल्लाह सर याद रहेगा, इंशाल्लाह। अभी हम पूरा अपना फॉर्म बना देते हैं, इसका फॉर्म ऊपर दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ऐसा फॉर्म बना देंगे, ठीक है ना? इसी का मुस्लिम का ही बना देंगे, तो फॉर्म बनाएंगे ना तो आप लोगों को याद रहेगा, सही है ना जी सर? यहाँ पे क्या आएगा? मुस्लिमुन,
नसब की पोजीशन में क्या आएगा? मुसलमान। और जर की पोजीशन में? मुस्लिमीन। सही है। फ्यूल क्या बनेगा रफा की पोजीशन में? मुस्लिमानी। मुस्लिमानी। मानी यहाँ पे क्या बनेगा? मुस्लिमानी। मुस्लिमानी। मैनी यहाँ पे क्या बनेगा? मुस्लिमैनी। प्लूरल में क्या बनेगा? मुस्लिमूना। यहाँ पे क्या बनेगा? मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। सेम ठीक है ना। फीमेल के लिए क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिमातुन। 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 फिर वादेन उसके बाद मुस्लिमातिन। मुस्लिमातन। मुस्लिमातन। फिर मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन। जूल में क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिमातानी। मुस्लिमातानी। सही है जी सर। मुस्लिमातानी क्या हो रहा है यार? एक मिनट भाई। बिस्मिल्लाह। मुस्लिमातानी। तैनी। और यहाँ पे क्या आएगा? मुस्लिमा तैनी। सही है ना? आप प्लूरल में थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा। प्लूरल में क्या आएगा कौन बताएगा? मुस्लिमात। एक्चुअली मुस्लिमातुन। मुस्लिमा। और यहाँ पे क्या आएगा? मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन। और यहाँ पे क्या आएगा? मुस्लिमा। बात समझ में आई सर सबके? जी सर। बहुत आसान है। अगर आपने ना मेल प्लूरल पकड़ लिया होगा ना, तो फीमेल प्लूरल बहुत आसान है। और आपके आसानी के लिए बता दूं, कुरान में फीमेल प्लूरल कम यूज हुआ है, मेल प्लूरल बहुत ज्यादा यूज हुआ है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक रूल चलता है। क्या रूल चलता है? कि अगर बहुत सारी औरतें हों और एक आदमी हो, तो मेल प्लूरल मेल प्लूरल से काम चलता है। एक ही आदमी होने की बात भी आपको मेल प्लूरल में ही
मेल प्रोनाउन और मेल प्लूरल में ही बात करनी है, ठीक है ना? इसीलिए सारे रूल यहाँ पे दिखेंगे ना आपको, वो मेल प्लूरल में ही दिखेंगे। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला को स्पेसिफिकली बताना है कि आदमी भी औरतें भी जी, है ना? वहां पे बाकायदा ये सारे जो ऊपर दिए हुए सिंगुलर प्लूरल वो यूज हो गए। मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, मगर उसके पहले मुहंदिस, मुहंदिस का मतलब होता है इंजीनियर। कुरान में मेरे को नहीं लगता है ये लफ्ज यूज हुआ है, लेकिन मुहंदिस का मतलब होता है इंजीनियर। मुहंदिसुन मतलब एक मेल इंजीनियर, ठीक है ना? तो अगर यहाँ मुहंदिसुन है तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा उसको? मुहंदिसन जी, मुहंदिसन, मुहंदिस, मुहंदिसन। आप लिख रहे हैं? नहीं मैं माफ, ये डॉट नहीं दिख रहा आप लोगों को हमारा, एक डॉट नहीं आ रहा है? आ रहा है जी, आ रहा है, आ रहा है। मार्किंग का डॉट है ना, वो यूज़ जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुहंदी मुहंदिसन, 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 मुहंदिसिन, मुहंदिसिन जी, ठीक है ना? और ड्यूल में दो मेल मुहंदिस को क्या बोलेंगे? मुहंदिसानी, मुहंदिसानी, और फिर मुहंदिसैनी और मुहंदी सैनी। और बहुत सारे मुहंदिसों को क्या बोलेंगे? ऊना का साउंड ऐड हो जाएगा, ये वाव मेरे को बताएगा लिखने की, अगर पढ़ रहा हूँ तो, और सुनने में ऊना का साउंड ध्यान आएगा और दिखने में ये वाव दिखेगा मेरे, ये वाव बताएगा। मेल प्लूरल की बात हो रही है, मुहंदी सूना, और यहाँ पे क्या आएगा? हाँ बोलिए सिस्टर, मुहंदी सीना, सीना, और यहाँ पे क्या आएगा? मुहंदी सीना। अब एक फीमेल मुहंदिस को क्या बोला जाएगा? मुहंदिसा। देखिए जब आपको पढ़ना बोलना है तो मुहंदिसा ही बोलना है, लेकिन अब तो हम ग्रामर की क्लास कर रहे हैं तो आखिरी हरकत को पढ़ना पड़ेगा, मुहंदिसा तुन, और फिर नसब में मुहंदिसा तन, और जर में मुहंदिसा तिन, और फिर दो फीमेल इंजीनियर्स को क्या बोलेंगे? मुहंदी मुहंदिसतानी, फिर मुहंदिसा लाइनी, फिर मुहंदिसा लाइनी, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? मुहंदिसतुन, मुहंदिसतुन, है ना? बोलेंगे मुहंदिसात, लेकिन हम तो आज पढ़ रहे हैं तो मुहंदिसतुन। उसके बाद मुहंदिसात, मुहंदिसातिन, दिसातिन, और मुहंदिसातिन तिन। अच्छा, फासिक को कोई ये पूरा तीन और तीन छह और तीन नौ 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 अठारह पूरे कौन बनाएगा फासिक को? फासिक है, मैं यहाँ होमवर्क तो लिखना ही भूल गया, चलो तो मैं लिख देता हूँ। होमवर्क सर आपका वही है जो उस दिन था ना, वो वही है, मगर अब फीमेल के साथ बनाना है। हाँ, और दोनों बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा से प्रैक्टिस हो जाएगी। खाली फीमेल मत बनाइए, हाँ क्या जी, फिर उन जी, फासिक उन, और कौन सा बनाया था? मोमिन उन जी, सर फासिक नहीं बनाया था, काजिब बनाया था मेरा ख्याल। ठीक है, फासिक फासिक बनाइए, कोई बात नहीं। मोमिनुन, मुदर्रिसुन, मुस्लिमुन, सादिकुन बनाया था, सादिकुन, ठीक है, अच्छी बात है जी, ठीक है ना जी सर जी। नासिरुन बनाइए, ठीक है सर जी सर। नासिरुन किस, नासिर किसको बोलते हैं सर? सर जिसको फतह हुई हो, जो कामयाब हुआ हो। नहीं, वो फातिहुन था, वो हेल्प, हाँ नासिरुन, दो हेल्प करने वाले। सर दोबारा बताइए, नासिरुन,
नुसरत वाले ना सर? हाँ नुसरत सर फता कोई बोल रहे? नहीं सर, अच्छा ठीक है, हेल्प करने वाले, ओके राइट, जी जी ठीक हो गया। फता अलग लफ्ज है सर। जी जी समझ आ गए सर, अलग लफ्ज। नासिरातिन बहुत आसान। ये दो तीन ही बना लीजिए इंशाल्लाह। अच्छा आप मेरे लिए कौन बनाएंगे? ये एक कोई भी काफिर, काफिर फासिक, काफिर फासिक ही आ रहे, मोमिन लिखते हैं सर बेहतर है ना। मोमिनुन, मोमिनुन का कौन बनाएगा? चलिए सर मैं बनाता हूँ सर। जी बिस्मिल्लाह। मोमिनुन मोमिनन, एक मिनट सर, सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आप लोग बाकी लोग ध्यान दीजिए, मैं है ना एक एक वो एक रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ, आप लोग बाकी लोग ध्यान दीजिए, गलत बोले तो आप टोकिए। ये आगे आपके चार्ट है बाकायदा, ठीक है? शुरू कीजिए बिस्मिल्लाह। जी सर। मोमिनुन मोमिनन मोमिनिन मोमिन मोमिनाइन 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 नानी 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 कोई बात नहीं सर, मैं आ गया। यहाँ से शुरू कीजिए सर, यहाँ से। एक मिनट, हाईलाइट वो कहाँ गया? ये रहा, यहाँ से शुरू कीजिए सर। बिस्मिल्लाह। जी जी सर। मोमी मोमिनुन, दिख रहा हमारा पॉइंटर? मोमिनुन जी। मोमिनन मोमिनिन जी। मोमिनानी मोमिन 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 मोमिनाइनी। साउंड याद रखिए, आइनी आइनी। जी जी जी। और जी मोमिनाइन जी, मोमिनूना माशाल्लाह, ऊना माशाल्लाह, जी मोमिन मोमिन आई मोमिन आनी आना इस मोमिन मोमिनीना जी मोमिनीना जी मोमिनीना। और यहाँ पे क्या आएगा? मोमिनीना मोमिनीना माशाल्लाह जी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? मोमिनातुन 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 है ना जी जी। मोमिनातुन मोमिनातन और मोमिनातिन। मोमिनातिन और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सर मोमिनातानी। हाँ माशाल्लाह। यहाँ में मोमिना मोमिनातैनी मोमिनातैनी और यहाँ पे और मोमिनातैनी और यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ पे आएगा सर मोमिनातुन मोमिन मोमिनातुन मोमिनातुन मोमिनात एक्चुअली बोला जाएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा? मोमिनातिन। और यहाँ पे क्या आएगा? मोमिनातिन मोमिनातिन माशाल्लाह। अच्छा और कौन बना के देगा? फासिक का कौन बना सकते जी? अब आप लोग ध्यान दीजिए, मैं एक वो ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? बिस्मिल्लाह। सॉरी सिस्टर, मैं एक वो रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? बताइए सर, बनाइए सिस्टर। मोमिनुन कहाँ पे थे? फासिकुन फासिकुन फासिकन फासिकिन जी। आगे फासिकानी फासिकैनी माशाल्लाह। हाँ फासिकैनी अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद फासिकुना जी फासिकीना फासिकीना माशाल्लाह। और फीमेल फासिक को क्या बोलेंगे? एक फीमेल फासिक को फासिखतुन माशाल्लाह। फासिखतन फासिखतुन फासिखतिन फासिखतन फासिखतिन। और यहाँ पे ड्यूल में फासिखतानी
फासे फताइनी, फासे फताइनी, माशाल्लाह, फासे खात खातुन, हाँ फासिकात, एक्चुअली बोलते हैं अपन फासिकात बोलते हैं ना, जी फासे खात, हाँ फासिकात, हाँ और फिर उसके बाद फासे खातिन, हाँ माशाल्लाह, फासे खातिन, फासे खातिन, फासे खातिन, ठीक है ना। अब आप और कौन करेगा, नासिर का, नासिर का कौन करेगा, नासिर यानी हेल्पर, मैं है ना, आप लोग कीजिए, मैं जरा ये ढूंढ रहा हूँ, मॉनिटर साहब जरा ध्यान दीजिए ना प्लीज, जी सर, हाँ जी सर कीजिए, बिस्मिल्ला, कौन करेंगे यार, वो पेज कहाँ गया, नासिरुन, नासिरन, नासिरन, जी, नासिरानी, नासिर आईनी, नासिर आईनी, नासिरूना, नासिरीना, नासिरीना, नासिरतुन, नासिरतन, नासिरतिन, नासिकानी, नासिक आईनी, नासिक आईनी, नासिर, 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 दोबारा पढ़िए जरा, ड्यूल ड्यूल बहन पढ़िए दोबारा, नासिरानी, नासिर आईनी, नासिर आईनी, जी, नासिरतुन, जी, नासिरतन, नासिरतिन, नासिरतिन है, तीन इसमें भी तीन है, और उसमें नसब में भी और जर में, दोनों में तीन, यहाँ से कीजिए, कहाँ है सिस्टर फंसी है सर, ये उसमें है नसब में प्लूरल पे, नसब में प्लूरल पे, फीमेल के, फीमेल सर, फीमेल के प्लूरल पे, यहाँ पे उसको तन पढ़ दिया उन्होंने, जी जी, हाँ ये तीन है सिस्टर, हाँ नासी, नासिरतिन, जी, नासिरतिन, माशाल्लाह, देखिए अगर आप लोग फीमेल प्लूरल ध्यान कर लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, और मेल प्लूरल ज्यादा यूज हुए, जी ठीक है ना, ये चार होमवर्क करेंगे ना इंशाल्लाह ताला फायदा होगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको है ना कुरान में से रेफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है जी सर, आप लोग मेरी स्क्रीन देखिए, और है ना आप बिस्मिल्लाह, कहाँ भेज दिया मैंने, कफील, यहाँ पे भेज दिया, ठीक है ये दिख रहा है आपको जी सर, ये पूरा आया क्या, नहीं पूरा नहीं आया, ये पूरा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दिख रहा है ना आपको, पूरी स्क्रीन दिख रही है मेरी, जी जी सर, जी सर, तो कौन पढ़ेगा इन्नल, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल, एक मिनट सर, अपना कनौजिया साहब है क्या, जी जी सर, जी सर आप, आपकी जरूरत है आज माशाल्लाह, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अच्छा आप कौन बताएगा मुस्लिमीना का क्या मतलब है सर, उसका मतलब है बहुत सारे मुसलमान मर्द और बहुत सारी मुसलमान औरतें, एक एक का बताइए सर, मुस्लिमीना का क्या मतलब है, बहुत सारे मुसलमान मर्द, दो से ज्यादा, इन्ना का मतलब मैं बता देता हूँ, यकीनन होता है, इंडीड, वेरीली, यकीनन, इंडीड, बहुत सारे मुसलमान मर्द, जी, वा का क्या मतलब है, और एंड, वा का मतलब कसम भी होता है, आपने कसम क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये दोनों के बीच में है पहले तो, और जो हालत में ये है ना पहला नाउन, उसी हालत में दूसरा वाला भी नाउन है, जी ध्यान दिया आप लोगों ने, जिस हालत में पहला वाला नाउन है ना उसी हालत में दूसरा वाला भी नाउन है, वो कौन सी हालत है जिसमें पहला वाला नाउन है, प्लूरल है, प्लूरल है, और हालत कौन सी है उसकी, नसब, हाँ नसब की हालत है, और उसके बाद वाले की फीमेल नसब की, है ना, दोनों की हालतें एक ही है, अच्छा तो यकीनन मुसलमान मर्द, और फिर मुस्लिमात इनका क्या मतलब है, मुसलमान औरतें, औरतें, अच्छा मखरूज साहब आगे, हाँ तो इसको कौन ट्रांसलेट करेगा, मोमिनीना वल मोमिनात, ईमान वाले मर्द सर, और ईमान वाली औरतें, और ईमान वाली, और को क्यों बोल रहे हैं आप, जी बोले सर, और ईमान वाली औरतें, और ईमान वाले मर्द,
और ईमान वाली औरतें. अच्छा शुरू में भी था, सॉरी वो नहीं देखा हुआ. और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें. ये और अभी खत्म नहीं हो रहा, अब इसके भी पहले वाला ये वाला एक ही है, ये जी वाला, जी ये वाला एक ही है. जी 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 ठीक है, हालत एक ही है. हाँ, और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, उसके आगे कौन पढ़ेंगे सर? वल खानितीना वल खानिताती. हाँ, खानितीना यानी ओबेइंग, ओबे करने वाले. हाँ, ओबे फरमावरदार मर्द और फरमावरदार औरतें. औरतें कैसे पता चला आगे औरतों की बात हो रही है? क्योंकि तानी एक ताऊ तानी सी दिख रहा है ना आपको, तानी. ठीक है ना, माशाल्लाह. इसके बाद कौन पढ़ेंगे? वस्सादिकीना वस्सादिकाती. अब इसका कौन मतलब बताएगा? और सच्चे मर्द और सच्चे औरत, ट्रूथफुल मैन ट्रूथफुल वुमेन, है ना जी? वुमेन. हाँ जी, सच्चे मर्द सच्ची औरतें और सच्चे मर्द और सच्ची औरत. अभी और चलते ही जा रहा है जी, इन्ना के बाद वाला और एंड कफील एंड मखनूजिया साहब एंड फातिमा एंड वैसा वाला एंड चलता जा रहा है. स्पेसिफिकली बोला जा रहा है. ऐसा कब बोला जाता है एक एक के बारे में एंड? यानी एकदम स्पेसिफिकली, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रखनी हो तो मैं बोलूंगा देखिए मखनूजिया साहब और जैद और मलिक साहब और फातिमा और आयशा और ये, बस यही आएंगे ना. मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ जी, ठीक है ना. अब देखिए अल्लाह ताला स्पेसिफिकली बता रहे हैं कौन कौन जी. जर्नलाइजेशन नहीं है, स्पेसिफिकली बताया जा रहा है, ठीक है ना जी. अच्छा, इसके बाद क्या है? वह सबर करने वाले औरतें. अच्छा, अब तोड़ के भी पढ़ने की कोशिश कीजिए. वह अल सौबीरीना, अल दिख रहा है ताकि आपको अल पहचानने में आ जाए. ये अल भी लिखा हुआ है, सब जगह अल लगा हुआ है जी. सबके सब डेफिनेट पोजिशन में है, इंडेफिनेट में नहीं है जी. सबर करने वाले मर्द सबर करने वाली औरतें. उसके बाद अल तो थोड़ी देर के लिए पढ़ना है, गलत है वो तरीका, मगर हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं. ऐसा पढ़ा नहीं जाता, ऐसा जी जी वल खाशीना ऐसे ही पढ़ा जाए, लेकिन हम तो समझने के लिए पहले ऐसे ही पढ़ेंगे वा अल खाशीना वा अल खाशियात, ताकि अल भी दिमाग में अंदर चला जाए. लेकिन सही तरीका तो वही है ना. क्या सही तरीका है? वल खाशीना वल खाशियात, ठीक है ना. ये याद रखिएगा, मेरे को फंसाइए मत कहीं है सब पढ़ के. ये हम तो ग्रामर की क्लास में एक स्पेशल तरीका है पढ़ने का, ताकि अल है ना ध्यान में आ जाए, ठीक है ना. हाँ, इसका क्या मतलब है किसी को पता है? खाशीना हम्बल. क्या बोलेंगे सर उसको, हम्बल को उर्दू में? डरने वाले, डरने वाले. हाँ, हम्बल अल्लाह से डर, आजिज 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 हम्बल. अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? अच्छा, हम्बल कौन? हम्बल मर्द और हम्बल औरतें. उसके बाद क्या आएगा? वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाती. हाँ, वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात, सदका देने वाले एल्म्स, सदका देने वाले आदमी और सदका देने वाली औरतें. हाँ, फिर उसके बाद रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाले औरतें. हाँ, रोजा रखने वाले मर्द साइमीना और साइमात, रोजा रखने वाली औरतें. देखिए, आपको इतना सारा होमवर्क दिया ना, तीन होमवर्क दिया ना, उसके बाद आपके कितने सारे लफ्ज और यहाँ लिख दिए अल्लाह ताला ने, सही है ना जी सर? देखा आपने, बोलने को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप. हाँ, फिर उसके बाद क्या है? वल हाफिजीना फुरूजहुम. हाफिजीना सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है. हाँ, हिफाजत करने वाले अपने प्राइवेट पार्ट्स के, फुरूजहुम. वल हाफिजात और वैसी औरतें भी जी. हाँ, वज़ाकिरीना और अल्लाह का
जिक्र करने वाले जाकिरीन अल्लाह कसीरन बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले मर्द और बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें। अदल्लाहु लहुम मगफिरतन, अल्लाह ने बना रखा है उनके लिए क्या बना रखा है, मगफिरतन व अजरन अजीम और बहुत बड़ा अजर रिवॉर्ड, बहुत बड़ा रिवॉर्ड बना रखा है अल्लाह ताला ने। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई सबके अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है देखिए, एक चीज और मैं नोट कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मैंने मगर आपने मेन बात तो नोट कर ली होगी ना, ड्यूल की मेल प्लूरल की और फीमेल प्लूरल की है ना मेन बात। हाँ हाँ, मुस्लिमीन यानी सबमिट करने वाले मर्द और सबमिट करने वाली औरतें। हाँ मखनोजिया साहब कुछ गलत लिखूं तो बताइएगा, मोमिनुन यानी बिलीविंग, राइट और रॉन्ग, अल्लाह पे यकीन करने वाले। हाँ कानितीन यानी ओबेइंग जी, फरमाबरदार जी, सादिकीन या सादिकात यानी ट्रुथफुल जी, साबिरीना यानी पेशेंट, पेशेंट पेशेंट कौन, सब्र करना मर्द, सिर्फ मर्द नहीं मर्द और औरतें जी, फिर हम्बल कौन, मर्द और नहीं मर्द और औरतें, औरतें सदका देने वाले सिर्फ मर्द, मर्द और औरतें नहीं मर्द और औरतें, रोजा रखने वाले सिर्फ मर्द और औरतें, मर्द और औरतें और। हाँ गार्डिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स वाले मर्द या औरतें दोनों जी, मर्द और अल्लाह को रिमेम्बर करने वाले दोनों। देखिए देखिए अब है ना, वो जो हमारा एक प्यारे भाई बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए आप लोग, क्रोनोलॉजी समझिए अभी, ठीक है ना, क्रोनोलॉजी क्या है, पहले सबमिट करना है मखनोजिया साहब या कोई भी, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को रोक लीजिएगा, पहले पहले क्या करना है, सबमिट करना है, मुसलमान मुसलमान हो गए ना फिर अल्लाह पे यकीन भी रखना है जी, खैर और शर सब लिखा हुआ है तकदीर पे, अल्लाह पे फरिश्तों पे सब पे यकीन हो गया, उसके बाद जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया उसको मानना, ओबे करेंगे, ओबे करेंगे तो सच बोलेंगे है ना, जैसे ही सच बोलना शुरू करेंगे, जैसे ही किसी भी सही काम को, पॉइंट टू बी नोटेड, जर्नलाइजेशन हो रही है, किसी भी सही काम को करना शुरू करेंगे आपके अपोजिशन खड़ी हो जाएगी। देखिए आप ऑफिस में, घर में, दुनिया में, दुकान में, जैसे ही अच्छा काम शुरू करना करेंगे आपकी अपोजिशन शुरू हो जाएगी, वो टाइम पे क्या रखना है, सबर करना है, पेशेंस रखना है, हम्बल होना है, सदका देना है और फास्टिंग करनी है, और फिर ये सब काम, जैसे फास्टिंग भी करेंगे तो शैतान साहब भी आएंगे, तो फिर वो गार्डिंग ऑफ द प्राइवेट पार्ट्स, और फिर अल्लाह को याद भी रखना, ये सारे काम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे तब क्या होगा, अदल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अजीमा अजीमा। ठीक है ना जी, ध्यान रखिए, और आपका मेन काम हमारा क्या था देखना, के खांग गया वो, हमारा मेन काम क्या था देखना, हमारा मेन काम था सर सिंगुलर ड्यूल और प्लूरल देखना। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंगुलर प्लूरल और ड्यूल और प्लूरल आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन आप लोगों को एक चीज नहीं समझ में आई ना आप लोगों ने पूछा, ये सारे साउंड प्लूरल थे, ध्यान आया आप लोगों को जी, ये सारे के सारे साउंड प्लूरल थे, ब्रोकन प्लूरल तो अभी तक सिखाई नहीं, याद है ना उस दिन मैं ब्रोकन प्लूरल बता रहा था, बस का बसेस, वाइफ का वाइफ्स हो जाता है, याद है आपको ना जी जी, है ना वाइफ का वाइफ्स, ये स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है बिल्कुल, फुट का फीट हो जाता है राइट जी, बिल्कुल स्पेलिंग चेंज हो, ये ब्रोकन प्लूरल है ना, इररेगुलर प्लूरल, हमने तो सिर्फ बस का बसेस वाले, कार का कार और बस का बसेस वाले, ये रेगुलर प्लूरल सिखा दिया आपको है ना, ये तो रेगुलर प्लूरल है, सिमिलर साउंड ऐड हो रहा है ना, आनी आईनी ऊना ईना आत, हाँ है ना जी,
ये सारे के सारे साउंड प्लूरल बनाने हैं। साउंड प्लूरल बनाने के लिए ब्रोकन प्लूरल बनाना अभी तक आपको सिखाया नहीं है, ब्रोकन प्लूरल बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कल इंशाल्लाह ताला कुल दूसरा एक चीज करेंगे इंशाल्लाह। हमने जस्ट फॉर द रेफरेंसिंग हमने नाउन के अंदर डेफिनेट इनडेफिनेट सीख लिया, ठीक है ना, और क्या सीख लिया हमने, सिंगुलर ड्यूल और प्लूरल बनाना सीख लिया जी, नाउन की स्टेजेस सीख ली जी, कि क्यों तीन स्टेजेस में होता है, क्यों होता है, वो तो बहुत सारे रीजंस हैं, हम सीखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन स्टेजेस सीख लिए हैं जी। और क्या था, जेंडर में मेल को फीमेल बनाना सीख लिया जी, हाँ मेल फीमेल बनाना, और क्यों फीमेल होते हैं, कितने रीजन होते हैं, वो भी मालूम पड़ गए अपने को, ठीक है ना जी। और क्या बाकी था, प्रोनाउन भी सीखे सर, प्रोनाउन भी सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ सीख लिया अभी कल, है ना, इसमें स्टेजेस में से एक सीखेंगे, इन्ना सीखेंगे, चलिए कल इन्ना सीखेंगे, इन्ना क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है ना, इतना सीखेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम। होमवर्क कीजिए, देखिए होमवर्क करेंगे ना जी, तब आप लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह।